कमर्शियल या प्राइवेट जहाज जो है उसकी मॉनिटरिंग सिविल एविएशन अथॉरिटी का काम है, इसलिए मैं सीए की प्रेस रिलीज को इंपॉर्टेंट मान लिया। नहीं नहीं मान लिया उनका काम है, पर इसका यह मतलब है कि एयरफोर्स हो रही होती है, एयर डिफेंस जिम्मेदारी नहीं। मैं इसका एक और मतलब आप चले जो गुजारिश की थी, लेट मी रिफ्रेज इट सर, हम सारे जिम्मेदारी नहीं है अपनी फोर्सेस के मुतालिक, हम गलत या नाजुक बात नहीं करेंगे, हम बड़ी इज्जत करते हैं अपनी फोर्सेस की, हम दिल से इज्जत करते हैं, मैं तो खुद फोर्सेस फैमिली से हूं, लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है, मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है कोई मीटिंग अरेंज हुई हो जिसका हमें पता नहीं है, हमें पता ना हो बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह का, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन का क्या प्लेन आया है इस लेवल पे, ये डिनाई कर देना सीए वो नहीं कर रहे। नहीं देखिए सीए के साथ आपकी क्या बातचीत हो रही है, आई रियली डोंट नो, मैंने आपको कह दिया कि जहां तक मेरी हमारी नहीं हुई इंफॉर्मेशन, हमने तो उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, और जहां तक ओके वो इसलिए कि मेरे ख्याल में ये स्टोरी आउट राइटली मेरे मुताबिक एक फेक है, जो मैंने लफ्ज पहले भी यूज किए थे, और इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम सिर्फ इसी बात पे अड़े रहें कि जनाब ये जहाज आया, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, भाई इसको कौन ट्रैक कर रहा था, वो किस मकसद के साथ ट्रैक स्पेशली ये जहाज हो रहा था, ये जो एजेंसीज हैं ये कितनी क्रेडिबल हैं, ये इसका जवाब दें, आफ्टर ऑल फिर वो ये भी जवाब देते कि जी ये 20,000 पे लास्ट टाइम इसको किया गया, उसमें क्या वो कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, उसमें कोई ऐसे रेडार जैमर्स थे कि जिन्होंने सबको चुप कर दिया और उसके बाद कोई भी ना बोला कि ये जहाज कहां गायब हो गया। मुबशर साहब ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान की एयर स्पेस में सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, मैंने आपके सामने अर्ज किया ना, जिन एजेंसीज का आप नाम ले रहे हैं वो ऑर्डिनरी एजेंसीज हैं, जो शायद अपने इंटरेस्ट के जरिए कोई, जैसे आपको ये इजरायली ने कहा कि ये मेरी हॉबी है, यहां हॉबी वाले लोग नहीं है, पाकिस्तान की एयर स्पेस की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जो स्टोरी पेश की जा रही है ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड, इस स्टोरी को कौन वेरीफाई कर सकता है और कैसे ये मैं मान लूं, सारी उम्र एयरफोर्स में गुजरी, सारी उम्र इस मुल्क की हिफाजत करते हुए गुजरी, हम उन इन चीजों के ऊपर रिएक्शंस करते हुए गुजरी, ये इतनी बड़ी चीज कैसे आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। जी आई टेक योर वर्ड फॉर इट, बट मेरे जहन में जो सवाल आते हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आंसर नहीं किए, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब उनमें हौसला हो कि वो पाकिस्तान की आवाम को जवाब दें हैं और वो भी आएं और इन सवालों का जवाब दें। बट एयर मार्शल शाह लतीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।